वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते मध्य प्रदेश में भी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में सरकार की मदद करने के लिए कसरावद विकास खंड के अधिकांश शिक्षक और साथ ही साथ अध्यापक सहित पटवारी संघ ने एक सराहनीय फैसला लेते हुए अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता शिव कुमार राठौर की एक खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं, शिक्षकों ने बताया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश के लोगों के सक्रिय समर्थन से हम अपने राज्य में वायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम हो सकेंगे। अध्यापक शिक्षक और पटवारी संघ इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में समर्थन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ खड़ा हुआ है, जिसके लिए उन्होंने अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष को देने का सराहनीय कदम उठाया है। आज कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है और यह एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। साथियों, बड़े ही दुख का विषय है, जो गरीब मजदूर, जो रोज कमाकर खाने वाले, दिहाड़ी मजदूर करने वाले, हमारे उन साथियों की मदद के लिए कसरावद ब्लॉक के शिक्षक संघ और अध्यापक संघ के द्वारा एक दिन का वेतन देने का निर्णय मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का लिया है। साथियों, कोरोना वायरस के बारे में मुझे उम्मीद है कि हम सभी जागरूक भी हो गए हैं, और यदि कोई जागरूक नहीं है तो राष्ट्र निर्माता होने के साथ में हमें उन सभी को जागरूक भी करना है। कहाँ किस प्रकार की समस्या आ रही है उसमें हमें सहयोग भी करना है। हमारे संगठन पूर्व में भी ऐसे करते आए हैं। कोरोना नामक इस महामारी को फुल स्टॉप देने के लिए हम निरंतर प्रयास, हमारा संगठन निरंतर प्रयास करता रहेगा। हमारे संकुल समन्वय समिति के सारे सदस्य, सभी अध्यापक साथी, सभी शिक्षक साथी ने इसमें संपूर्ण समर्थन का ऐलान किया है और अपना एक दिन का वेतन उनकी मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया है। साथियों, हमारे आदरणीय दिनेश जी पटेल और हमारे संजय पटेल जी, संजय शर्मा जी, संजय कर्मा जी और मोहन जी पटेल और भी कई अध्यापक साथियों ने इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए समर्थन किया है और इस प्रकार की मुहिम का भी समर्थन किया है। और साथियों, हमारे शिक्षक संघ के आदरणीय श्रीमान दिलीप जी दुबे, शिवशंकर जी पाटीदार और हमारे अरुण यादव जी, महेश सैते जी और भी अन्य कई शिक्षक साथियों ने इसका समर्थन, दूरभाष पर जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया है और अपना एक दिन का वेतन देने का ऐलान किया है। साथियों, हमारे अध्यापक संघ के, शिक्षक संघ के साथी दिनेश जी टेमरनिया और विजय पाटीदार जी, परमानंद पठोते जी, अतुल सक्सेना जी, महेंद्र पटेल सर और भी हमारे कई साथी ने इसमें समर्थन देने की बात कही है। इस भयावह वायरस को रोकने के लिए हम भी क्यों ना आर्थिक सहयोग प्रदान दें ताकि सरकार की मदद हो सके और उन गरीबों तक वह राशि पहुंच सके, जिससे जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं, गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं जिनको आए दिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, ऐसे साथियों के लिए हम अपना एक दिन का वेतन देंगे, ऐसा निर्णय कसरावद की पूरी इकाई के द्वारा लिया गया है। मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं जिन्होंने इस महामारी में सहयोग प्रदान किया और भविष्य में भी यह संगठन ऐसे कार्य करते रहेंगे। पुनः आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इस वायरस को रोकने के लिए हम घर में ही रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, डरे नहीं, निडर होकर कार्य करें और इस बीमारी को फैलने से रोकने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय आजाद, जय राष्ट्र निर्माता। कर्मा जी की अपील पर मैं सर्व शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष होने के नाते अपना एक दिन का वेतन तो देता ही हूँ, साथ ही साथ मैं अपने जिले के समस्त शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ कि वे भी अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए। मैं स्वयं एवं पूरा जनपद शिक्षा केंद्र कसरावद इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। जैसा कि पूरे भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन के आधार पर सभी शासकीय कर्मचारियों को कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए जो लोग पीड़ित हैं उनको, परिवारों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिए जो कदम उठाया है, ये बहुत
सराहनीय कदम है और इसमें जो भी हमारे पटवारी लोग और शिक्षक साहिबान करते हैं एक अच्छा उदाहरण है देश के प्रति समर्पण के प्रति सेवा के प्रति हम लोग सब एक साथ हैं।